और विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर आज श्रमेव जयते नाम की स्कीम का लॉन्च किया जाएगा। किस जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए। कन्विंस है कि 21वीं सदी एशिया की सदी, जिस देश का नौजवान अपने सामर्थ्य से अपना भविष्य बनाने के लिए कृत संकल्प हो, उस देश को पीछे मुड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं। अब भारत में काम और व्यवसाय करना होगा और आसान, क्योंकि अब भारत सरकार करने जा रही है कभी ना किए हो ऐसे सुधारों का ऐलान। फॉर द एम्प्लॉयर्स, पहले रिटर्न्स फाइल करने के लिए लंबा इंतजार, इंस्पेक्शन की परेशानी, वक्त की बर्बादी। अब देश के सभी छोटे बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगे ऑनलाइन श्रम सुविधा पोर्टल पर। अब ना ही मल्टीपल रजिस्टर्स होंगे और ना ही बार बार रिटर्न फाइलिंग का झंझट। अब उद्योग अलग अलग 16 कानूनों के लिए ऑनलाइन फाइल करेंगे सेल्फ सर्टिफाइड सिंगल एनुअल रिटर्न। अब सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होगा शिकायतों का भी निवारण। अब इंडस्ट्रीज में होगा इंस्पेक्टर राज का अंत, क्योंकि जन्म हुआ है एक नए रैंडम इंस्पेक्शन सिस्टम का। अब इंस्पेक्शन के 72 घंटों में ही होगी उसकी रिपोर्ट अपलोड। फॉर द ऑर्गेनाइज्ड लेबर, पहले जॉब बदलने के बाद कोई रिकॉर्ड नहीं होता था पीएफ का, अब पीएफ बेनिफिट्स होंगे पोर्टेबल। अब देश के ऑर्गेनाइज सेक्टर के 4,17,00,000 कॉन्ट्रीब्यूटिंग एम्प्लॉयज को मिला यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जो कि जुड़ा होगा एम्प्लॉयज के आधार कार्ड और बैंक अकाउंट से। अब देश में कहीं भी काम करते रहिए, आपके पीएफ बेनिफिट्स जमा होते रहेंगे आपके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर पर। फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, पहले असंगठित श्रमिक परेशान, ना तो ज्ञान ना ही सुविधाओं का संकलन। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को बनाया गया और बेहतर। अब इस योजना के तहत दिए जाने वाले स्मार्ट कार्ड्स में भारत सरकार की दो अन्य बड़ी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का समावेश किया जाएगा, और साथ ही इन स्मार्ट कार्ड्स को उनके बैंक अकाउंट्स और आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। अब इन्हीं स्मार्ट कार्ड्स में आगे जाकर राज्य सरकारें भी अपनी योजनाओं को जोड़ पाएंगी। फॉर द यूथ, पहले देश में युवा है पर स्किल नहीं, स्किल है तो सर्टिफिकेशन नहीं, अप्रेंटिस के लिए मौका नहीं। अब अप्रेंटिस सीट्स की संख्या बढ़ाकर 23,00,000 करने का विशाल लक्ष्य साधा है भारत ने। अब होने जा रहा है अप्रेंटिसेस एक्ट में बड़ा सुधार। अब युवकों का स्टाइपेंड बढ़ाने के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना भी तैयार। जो है आज के युवा, वही तो है देश के आने वाले कल की स्किल्ड लेबर फोर्स। अब इंडस्ट्रीज के साथ किए गए हैं फ्लेक्सी MOUs, जहां स्पेशल कोर्सेज में ट्रेनिंग के साथ रोजगार की भी गारंटी। अब विकलांग भी अपने पैरों पर खड़े होंगे, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स VRCs के जरिए पाकर रोजगार। 2022 तक निर्माण क्षेत्र में जुड़े होंगे करीब 8,30,00,000 कामगार, जिनको प्रशिक्षित करना बना देश का सबसे बड़ा मिशन। अब मिलेगा